देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बदायूं पहुंचे। विलसी विधानसभा क्षेत्र में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश का मोबाइल 10 तारीख के बाद बंद हो जाएगा, फिर वह किसी का फोन नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा बसपा की चिमटी से भी नहीं छूना चाहिए। यह सरकार में आए तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान की जेल से रिहा करेंगे, जबकि भाजपा सरकार इन पर बुलडोजर चलवाएगी। कर्नाटक में चल रहे हिजाब मुद्दे पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जो चाहे पहन सकती हैं, उन्हें किसने रोका है। इस तरह के मुद्दे उठाकर यह लोग प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बदायूं दौरे पर हैं। बिलसी कस्बे में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी और मोदी सरकार में गरीबों के हित के लिए तमाम योजनाएं चला रखी हैं, जिनका लाभ उन्हें भी मिल रहा है। वहीं पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लाइट की यह हालत थी कि कोई मेहमान घर पर आता था तो मच्छर काट काट कर परेशान कर देते थे, लेकिन योगी सरकार में हर घर 24 घंटे लाइट का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बिजली का तार पकड़ने पर करंट नहीं आता था, लेकिन बिजली का बिल हाथ में पकड़ते ही शरीर में करंट दौड़ जाता था। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में अपराध करने के बाद अपराधियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, वहीं योगी सरकार के आने के बाद उन्हीं अपराधियों को जेल में डाल दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, गरीबों को कल्याण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। सपा में काम करने वाला यादव भी कभी जीवन में अध्यक्ष नहीं बन सकता, बनेगा तो अखिलेश का बेटा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी लोग खुशहाल हैं, केवल गुंडे और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चुनाव के प्रथम चरण में आज वोटिंग हो रही है। प्रथम चरण में हम बंपर सीटों से चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद अखिलेश यादव का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, लोग फोन मिलाते रहेंगे लेकिन फोन नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी 400 देखिए, मैं विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, गरीबों को कल्याण करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने 5 साल के पहले की स्थिति आपने देखा है, सड़कों की क्या स्थिति थी, बिजली व्यवस्था क्या था, कानून अराजकता था, राज्य के अंदर दंगे होते थे। आज 5 साल से शांति है, ना दंगा है, ना फसाद है, ना अराजकता है, लोग शांति से रह रहे हैं और सुख से रह रहे हैं। समी के गरीबों को छत मिला समी का। इसलिए सपा क्या कर रही है, सपा एक परिवार की पार्टी है। सपा में काम करने वाला यादव कभी जीवन में अध्यक्ष नहीं बन सकता है। अखिलेश का बेटा कोई पार्टी थोड़ो ना कोई दल है, दलदल है एक तरह का। वह सत्ता बनाने के कारण सत्ता बनाकर लूटते हैं राज्य को और जातिवाद करते हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं उसके पास। सर, कर्नाटक का एक मुद्दा चल रहा है कि एक लड़की ने हिजाब पहना, इस पे कुछ उसका विरोध हुआ और उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश में स्थितियाँ ठीक नहीं है, जो चाहे पहना जा सकता है, भाजपा जो है पहनने पे और इस तरह की चीज़ें। तो प्रियंका जी जो चाहे पहनने में मना कौन कर रहा है, कोई प्रियंका जी को मना कर रहा है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर मैं सभी गरीबों को पक्का मकान दे रहा हूँ। अभी जिक्र किया भाषण में, सभी लोग केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मुसलमान हिंदू ले रहा है। 5 साल से है, 5 साल से शांति है, केवल गुंडों पर कार्रवाई हो रही है। किसी मुस्लिम, किसी हिंदू, किसी को नहीं बोला जा, सभी लोग खुशहाल रहे हैं। आज सभी लोग जाटव समाज से लेकर अपने को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की सभी योजना, माननीय नरेंद्र मोदी की संपूर्ण योजना तो उन्हीं के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों का सभी के पास पहुंच रहा है। पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, 15 करोड़ लोगों के घर में भोजन, ये सभी पहुंच रहा है। मैं विकास के नाम पर, उनका नेचर है वो लोग।